शुक्रिया। जहाँ तक आवाज़ पहुँच रहा है, मेरा प्यार आप तक पहुँचे। और भाइयों बहनों, काफ़ी नाराज है, ओके, काफ़ी नाराज है इंस्पेक्टर्स, अंडरवेस इंस्पेक्टर्स, अंडरवेस इंस्पेक्टर्स बिगड़ गया काका, बिगड़ गया है। ये लोग ने खबर दिया है लिलियन को, लिलियन फेरियई को, एक चिट्ठी से भाई, न कि मौंगलिंग के बात है, मुजबानी के बात यहां न है। ये इंस्पेक्टर्स, अंडरवेस इंस्पेक्टर्स, ये चिट्ठी भेजी हुए हैं, एक चिट्ठी द्वारा लिलियन को संदेशा दी है कि सोमवार से ये लोग काम नहीं करेगा। सोमवार से अंडरवेस इंस्पेक्टर्स के दरवाजा बंद है। लेयरलिंगन एंड स्टूडेंटन जो स्कूल यार के लिए डिस्पेंसासी मांग करना चाहेंगे और वो वहां पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद रहेगा, क्योंकि अंडरवेस इंस्पेक्टर्स काफी नाराज है। चिट्ठी गई से लिलियन के लिए, मिनिस्टर लिलियन के लिए, स्टीफ रिच फॉर सेटर फ्रॉम द बॉन्ड फंड इंस्पेक्टर्स बाई अंडरवेस। बोलक सालन बीत गई है कि हम लोग बात करेगा इंस्पेक्टर्स के लिए बात करो जाए। ट्वेट डिजन आज से अभी तक क्रेडिट टू लाख नहीं मिला। ट्वेट डिजन आज से हम लोग के क्रेडिट टू लाख मिलना चाहिए। मार है बंदी नॉक स्टेज दी तो फांगन दो बेंजीन फर खुदे, इन लोग को बेंज तेल मिलता है, गाड़ी अपना चलाते ना तो इंस्पेक्टर्स लोग को बेंजीन मिलता है। बेंजीन प्राइस चढ़ गया है लेकिन इन लोग को वही पुराना प्राइस दिया जाता है। बॉन्ड फोर्सेटर कितनी सालों से इसके लिए बात कर रहा है, बात करता है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं रखता है। प्यारे लोग, इंस्पेक्टर्स रहेगा अपने पोस्ट पर लेकिन खाली टेलीफोन द्वारा आंतोर देगा और किसी को मदद न कर पाएगा। द इंस्पेक्सी फोर्स, द इंस्पेक्सी फेओए बासेस द हेलो पोस्टल मारवेन लेली दौरब सरमक्का निकेरी दरवाजा बंद, कांटोर बंद, लेखन हेट वेर ओक नियर, क्योंकि नाराज है भैया अंडरवेस इंस्पेक्टर्स, काफी गुस्सा में है। ये गुस्सा से कारण, ये गुस्सा के कारण तो आप जान चुके हैं कि लोगों के मांग पर ध्यान नहीं रखा गया है। मिनिस्टर को चिट्ठी गई से, ये लोग बातचीत करना चाहते मिनिस्टर से लेकिन मिनिस्टर आंतोर देना नहीं चाहती है। बस ये लोग सोमवार से सब कंट्रोल अपना अपना बंद कर दिया है। हमारे प्यारे प्यारे लोग, सूरीनाम के हर एक जनता, देखो हम देख रही है कि अब जसवा में ज्यादा से ज्यादा लोग मुंह फुला करके रहेगा, क्योंकि अर्सन फन रही फ्यूनाल खजों थे इस दिस्त एरखे दी अर्सन 7 महीना से नीट एज बताओ फोर पी जेड एस एन आज पास फर से खर्दन दफरी देखे फारी फिलहाल अर्चन फे आर आ बोले ना। अब हम लोगन
ये धक्का नहीं सहेंगे। ये लोग अल्टीमेटम 15 अगस्त को ये लोग के पैसा मिल जाना चाहिए। बॉबी रामोतार जो फोर्सेटर है, ये संदेशा सब लोग को लिए भेज दिया जिन लोग को 7 महीना के पैसा फेआ को देना चाहिए। 15 अगस्त तक ये मौका है, अगर 15 अगस्त तक पैसा मिल गया तो ठीक है, वरना बाकी लोग पतंग उड़ाएंगे वो दिन के बाद, पतंग उड़ाएंगे। बॉबी राम अवतार बड़ी गुस्सा से है भाई, ये देश के हाल के अब समझियो मौसी, सगरो तो ये सब प्रॉब्लम है, मुसीबत है। एक शफेर बोत्रोमांग की व्याख्या रास्ता पर गाड़ी चला करके जा रहा है, कहीं न जाने कि उनके दिमाग में कौन ऐसा बात आ गया, न जाने कि वो सूत गए स्टीयर के पीछे या क्या कहा उनके साथ हुआ। एक गाड़ी जो पार्केर था बगल में, मकान के बगल में, पहले उनमें जाकर के धक्का मार दिया है, दोनों गाड़ी छितरा गया काका, क्योंकि एक गाड़ी खड़ा था घर के बगल में और ये दूसरा गाड़ी उनके जाकर के धक्का लगा दिया, दोनों छितरा गया है। अब देखो का हुआ थे बप्पा, हमारे भैया लोग मिनिस्ट्री फॉर ओपन बार वर्कन, इस वक्त डालियान 4 प्रोजेक्ट में मंगोलान और पाराखरस वेक को मरम्मत अस्फाल्टेर करने को जा रहा है। अस्फाल्ट 12-1200 मीटर, मैट ब्रीट फॉर 5 मीटर, 1200 मीटर मैट ब्रीट फॉर 5 मीटर, और दोनों जगह फुटपाथ रहेगा। द मंगोलान एंड द पाराखरस वेक, ये दोनों रास्ता पर अब काम शुरू होने को जा रहा है या मार्च में शुरू हो चुका है, और सेंटेक कंट्रोल करता है। मंगोलान एंड पाराखरस वेक ये अस्फाल्टेर होने लगा है, मंगोलान एंड पाराखरस वेक डालियान 4 प्रोजेक्ट में इनको लिया गया है और काम शुरू हो चुका है। प्यारे लोग, जनता, सब लोग के बात तो बात है, लेकिन अब वही कोनी को बैठा देने से बहुत गड़बड़ भप्पा, अब वही कोनी को बैठा देने से अपर हो अबोई अल्बर्ट अबोई कोनी को बैठा देने से मचाओ परिवार बिगड़ गया है। बोले श्री देसी बहुतर से अगर वो आदमी को भेजेगा बेदलांत में तो उनके साथ जो नतीजा होगा उसका जिम्मेवार देसी बहुतर से खुद रहेगा। अगर वो जाएगा गांव में जनता के बीच में आएगा अल्बर्ट अबोई कोनी, तब तो तमाशा देखिए जो नतीजा हम लोग करेंगे ओकरे साथ, और सब जिम्मेवार या कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुता के ऊपर गिरेगा। ये एर्नी लॉन्गफेल्ट जो
मचाओ परिवार के अलंग से ये संदेशा दिया कि ये लोग ग्रामांग आमीना को बनुम करवाना चाह रहे थे। आमीना बोले जैसे बिनलांत में बिनलांत से और लोग रहा, समझ जाओ कि वही तरह की लड़ाई फिर शुरू होने वाला है। दी फरखलेकन कन वर्दन मैं जब बेदलांग से और लोग, और बोले हम लोग अब लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर अल्बर्ट अबोई टोनी गांव में आएगा, ये लोग बोले के सहरिये बहुता के चाहियों के सहरिये में पकड़ करके कैबिनेट स्वाम प्रेसिडेंट वहां बैठा देने के लिए, या उन्हें पार्लियामेंट्री में बैठा दे, लेकिन बेनलान को मत भेजना, वरना क्या वो तू तमाशा देखिए, मचाओ परिवार कौन तमाशा करेगा बेनलान में, क्या वो तू देखिए चकल्लस बेनलान में। प्यारे प्यारे लोग, ये सब चीज है। अब देखो क्या हुए है, मारपीट कब हुए है, कब शुरू होगा, क्योंकि अल्बर्ट अबोई कोनी को वो जगह दे दिया गया है। अरे काका, ये सूरीनाम के तमाम जनता, ये भैया, सब लोग इस वक्त कोई न कोई विचार करने लगा और हर एक घबराने लगा है, क्योंकि सुमोहार जो मलाई के अंदर में एकताई के लिए बात करने लगा है, सुमोहार जो चाहते हैं एन हेट ऑन द यफानन, अरे दादा रे दादा, सुमोहार जो कहते हैं कि जो मलाई दूसर पार्टी में जाएगा उन्हें मीर ब्लूम पे कहा जाएगा, मीर ब्लूम पे दीवार का फूल, मीर ब्लूम पे समझे ना, मैं मुख्यन पॉलिटिक बद्रेफन मैं दफूल फान, बोले हर एक से निवेदन है मलाई से खिलवाड़ मत करना। ये परचा लुहूर का फोर सेटर सुमोहार्जो ने कहा है, कल रहा 128 साल यफान से इमिग्रांट थी, इसी कारण से ये बात ने कहा, क्योंकि एनडीपी कोमोवेन में मालिया ब्यूरोक में एक जबरदस्त प्रोग्राम किया, वहां सिर्फ जावी परिवार थे, मलाई परिवार जो मुमकिन है परचा लुहूर के अंदर पहले था, ये लोग निकल करके एनडीपी में कल भर्ती हुआ है। देश का प्रेसिडेंट देसी बहुत से खुद वहां मौजूद था, जितने लोग निकला है पार्टी इसे उनके पास गया, सबके लिट मास का कर दिया है और उनको एनडीपी का ट्रेन वगैरह भी तुरंत दिया है। मारिया ब्यूरोक में जबरदस्त टेंटी पोडियम, जहां पर काफी लोग वहां जो मायूस होकर के पीएल से निकल करके नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी में भर्ती हो गया है। भाइयों, ये भी कल एसटीपीएस के द्वारा लाइव टीवी पर दिखाई गई है, क्योंकि वहां पर भी श्री बाउटर से खुद पोडियम पर खड़े होकर के और हमेशा की तरह गाना गाया हुआ है, गाना गाए हैं प्यारे प्यारे लोग, देसी बाउटर से पोडियम पर खड़ा होकर के और वहां पर गाना गा करके लोगों को एंटरटेनमेंट की है। काफी जाबी काफी मलाई नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी में भर्ती हुआ
और मलाइडो ने कहते हैं कि नेशनल डेमोक्रेसी से परते अब से चुनाव में 3 सीटें हासिल करने वाला है इलाका कोमवेन में, क्योंकि वहां 4 सीटें है, अब 3 को एनडीपी को निकालेगा और 1 छोड़ देगा फिर यहां पी के लिए। ये प्यारे लोग जनता, हमारे सरनाम के हर एक जनता, अभी तक जो पैसा नीदरलैंड का दुआने नीदरलैंड का यूस्टिची बसलाख में लिया है, प्यारे प्यारे लोग, इसलिए सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम को चाहिए जनता को सामने लेने को और सही रूप में बात समझाने के लिए कि नीदरलैंड का सरकार क्यों हम लोग के पैसा बसलाख में लिया है। ये यूरो मिलियन यूरो के बात है और ये पैसा नीदरलैंड के बसलाख में लिया गया है। इसलिए सूरीनाम के जनताओं को इसके बारे में सेंट्रल बैंक को चाहिए जो सेंट्रल बैंक गाट सामनलेविंग नोग मेर फोरलिखटन, और ये खास करके वो समस्या जो नीदरलैंड में हुआ है कि नीदरलैंड की सरकार पहले 19.5 मिलियन और फिर उसके बाद 4 मिलियन ये पैसा बसलाख में ले लिया है। प्यारे प्यारे लोग, सूरीनाम रिफीर को लोग ने फैसला कर रहा है और गहीर खोदने के लिए, उसके लोग कहते हैं एज बखरन और गहीर खोदने के लिए, ताकि सूरीनाम रिफीर में बड़ा बड़ा जहाज भी आ सके। लेकिन इतना बात भी लोग को जानना चाहिए कि समुंदर के पानी और जोर से सूरीनाम रिफीर में आएगा, समुंदर के पानी और जोर से आएगा और कितनी जगह धक्का मारेगा और कितनी जहां जहां बस कोई नहीं है वहां जमीन भी कट सकता है, क्योंकि समुंदर के पानी जब जोर से आएगा तो रिफीर जो है ना, नदी जो है, जहां तक नदी देखो है पानी वहां तक ठेल जाएगा। लेकिन सरकार का विचार है कि हम लोग गहीर खोद करके जहाज अंदर लाएगा ताकि हम लोग और सामान ला सके और सूरीनाम से कुछ सामान बाहर भेज सके, यानी इकोनॉमी के सिचुएशन से देख करके ये लोग समुंदर और रीवा को और गहीर खोदना चाहते हैं, ताकि ओली प्रोडक्शी स्टार्स ओली मासपे सूरीनाम वो भी जानना चाहते हैं कि कब ये गहीर खोदा जाएगा कि तेल और यहां सूरीनाम का तेल बेल्टलान प्रदेश को भेजे बड़का जहाज में। ए प्यारे लोग, जितने बड़े बड़े लोग को बैठा दो नकाकी देश के अंदर में और बड़े बड़े पोस्ट पर, तो चोर निकल जाता है, डाकू निकल जाता है, ज्यादा से ज्यादा, न सब ज्यादा से ज्यादा, न सब लोग, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चोर निकल जाता है। एक मुकदमा बड़ी साल से भैया खुचुर खुचुर धीरे धीरे, तब आज गए तो उसको एचटेल, तो फिर आए तो एचटेल, ये मुकदमा के बारे में हम बात करते हैं। ईबीएस के मुकदमा, ईबीएस फ्रॉड जाक नार अक्टूबर, अब अक्टूबर तक ये एज चल कर दिया गया है, जिसमें वेली डेकर एक्स वार नेमन डायरेक्टर फन एनर्जी बद्रेफ सूरीनाम,
ex-directeur Kenneth Vasseur, Dick van Kanten, Max Chen Shui Lyon, Quincy Fernandez, jin par ilzaam hai ki ye sab jaka dalne hain ABS ke andar. Budhwar ko in logon ka muqadma 24 october tak taal diya gaya hai. Is woensdag verschoven naar 24 oktober. Okay, baad mein abhi do politieman ka verhoor kiya jayega. Rechter Cynthia Falstein Montnor. In logon ko mauka de raha hai apne bachao ke liye. Lekin bhai bahut se paisa jhaar bahar karke ye log ABS ke sab paisa loot liye hain. इल्जाम है, अभी इल्जाम कहिए है. अब देखो क्या फैसला होता है फीलन 20 अक्टूबर को. फीलन 20 अक्टूबर को ए काका तो क्या हम का बताइला. आज अखबार ने भी इसके बारे में जिक्र की है. अखबार इसके बारे में जिक्र की है इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कहना चाह रहा हूं. अखबार ने जिक्र की है. Veiligheidsman vice-president bedreigt gewapende politieman met AK-geweer. अब हम काटो के बताई का की है? इसमें हिंसा चानी हुआ काहे के एट हेट ऑंडरसुक ब्लेक दैट डेज ट्वे ब्यूरन बेकांत जेस यार इन ऑन में लीवन. ये दोनों बगल बगल में रहता है. एक पुलिसी है एक मिलिटर है और कुछ हिंसा चानी भय है लड़कन के बीच में. पहले बीर योंगन और फिर उसके बाद डॉक्टर फॉर द मिलिटर ये सब समझाने के लिए गई. लेकिन यहां हिंचा चानी हुआ है कोई फेस शुरुआपन से कोई आका से. और जैसे पता चला है कि इसमें भी मारपीट हुआ है. इसमें मारपीट भी हुआ है. अब देखो क्या हुआ है. आंखिफ्त किया पुलिसमान और मिलिटर भी आंखिफ्त किया है. दोनों आंखिफ्त किया है. आंखिफ्त फन द पुलिसमान आंखिफ्त और मिलिटर ये दोनों आंखिफ्त की है. अब आगे चल करके देखो इन दोनों पड़ोसी में कौन ऐसा आदमी गड़ गए हैं कि ये हर एक इंसान को सुलाहियत के रूप में जिंदगी बसर करना चाहिए. एक मिलिटर है एक पुलिसी है. ये दोनों में बात बिगड़ गया काका. इसको समझाना चाहिए क्योंकि दोनों बहुत जरूरी है देश के लिए. सिपाही को बहुत जरूरी देश के लिए और मिलिटर को भी बहुत जरूरी देश के लिए. तो झगड़ा में कोई के फायदा नहीं होता है. हमारे चलते हैं तो पता चला कि एक औरत कारला नाम बेचारी के. अब कारला से हम नहीं पूछेंगे एक कारला व्हाट दे शे ऑफ द क्राइसिंग लर्ना एंड अपोलो स्ट्राच. कारला वहां पर अपना तास में जो 570 एसडी पैसा नगद पैसा है उस क्रोइसिंग पर कारला खड़ी हुई है चल रही है या क्या कर रही है लर्ना एंड अपोलो स्ट्राच. एक आदमी ब्रोफिस पर पास हो रहा है और कारला के तास छीन लिया. कारला के तास में 500 से ऐसा दे कुछ कागज पत्र
और ये प्रोफेसर लेकर के भाग गया। सिपाही इस समस्या को अब अवसुक कर रहा है। प्यारे लोग जनता, der Rechter zal uitspraak doen in de zaak tegen Chunilal R. Chunilal R op 5 november. Kyunki meester Nirmala Maiku ko, jiska hatya hua hai, unka overledingsakte ke zaruri hai. रेक्टर वो बात देखना चाहते हैं ना कि कौन आदमी मरल है, उसका नाम क्या है। मिस्टर निर्मला मई को उन्हें चाहिए ये ओवरलेडिस एक्ट उस दशई में पहुंचवा देने के लिए, क्योंकि उस दशई में उस कागज उस माप में इस नीतफेंडन प्यारे प्यारे लोग, अब देखो क्या है। एडवोकेट कहते हैं कि एर चुनीलाल बंदूक लेकर के जब वहां पहुंचा तो दो आदमी वहां से भाग निकला है। अब एडवोकेट ये कहना कि चुनीलाल गोली तो चलाया नहीं तो मरा के। या गोली चलाया लेकिन मरे है के, तब वो दोषी में उनका अक्त होना चाहिए, क्योंकि सब लोग जानते किरण डाउलिंग सुसान के मौत हुआ है। किरण डाउलिंग सुसान ओमक्वाम, लेकिन एडवोकेट के कहना कि किरण डाउलिंग सुसाना वी बस्तात नीट वी बस्तात नीट, क्योंकि एडवोकेट के कहना है कि किरण डाउलिंग वो नहीं मरा है, मरा समानता। अब समानता के कागज भी नहीं है तो ये कागज पत्थर होना चाहिए, तब कहीं रेक्टर जाकर के ऐश्वर्या करेगा। कैलाश का भैया गांजा बेचता था, गांजा, बस सिपाही इनको जाकर के गिरफ्तार कर लिया। फिर अगर फेब्रुवरी के बाद है, ये गांजा बेचता है, गांजा कैलाश का। रेक्टर इंग्रिड लक्ष्मीचरण उनकी सामने सब कागज पत्र पेश की गई कि कैलाश का ये धंधा बहुत सालों से करता है, तो कैलाश को 12 मंथ सेल्स तरफ वार फॉर फीर फॉर वार्डलक और अगर 750 नहीं भरेंगे तो उन्हें 2 महीना और शांत भूमि में रहना पड़ेगा। रेफ्टर इंग्रिड लक्ष्मीचरण कैलाश को भेज दिया संत बोमा। प्यारे लोग, मैं देख रहा हूं कि प्यारे प्यारे लोग, आज हम आप लोग के सामने यह संदेशा रखने के लिए जा रहा हूं कि स्कूलीरन जो स्कूल में पास हो चुके हैं या स्कूल के अंदर में अभी तक विचार है कुछ साल पढ़ने के लिए, ये लड़कन फकांसी जॉब खोज रहे हैं। फकांसी जॉब लड़कन खोजने लगा है। हॉन्डर दस खोली रनफा निकेरी बुधवार को घाम और बरसात में खड़े खड़े फकांसी जॉब के लिए मिनिस्ट्री फॉर स्पोर्ट एंड व्यवसाय का रजिस्टर किया है। ये रजिस्ट्रेशन 1 बजे शाम को
देश है पर बीर सिंह स्ट्राच वहां पर शुरू होता, लेकिन 8 बजे ये स्कूल के बच्चों को मौका मिला रखस्त्रे करने के लिए। प्यारे प्यारे लोग, अब देखो वहां पर कई लड़कन को फोर निकेरी से 100 प्लाट्स एंड बस्केक बार फोर स्कूल हीरन दी अनफकांसी जॉब वेलन निकेरी के लिए सिर्फ 100, लेकिन जिस तरीका से वहां लड़कन को बुलाया गया तो कितनी 57 लड़कन वहां पर थे जो ठीक बात नहीं भैया, जिस निकेरी के लड़कों सिर्फ 100 प्लाट्स एंड बस्केक बार फकांसी जॉब के बात हम करते हैं। अरे निकेरी में खाली 100 लड़कन है, लेकिन जितने बदरेफ निकेरी में, अगर हर एक बदरेफ 20-20, 25-25 लड़कन को मौका दे तो हर एक लड़कन फकांसी जॉब कर सकता है। प्यारे प्यारे लोग, लड़कन अगर फकांसी जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए मौका बनाना चाहिए, इससे लड़कन गलत काम से बच सकता है। लड़कन गलत काम से बच सकता है अगर उनके फकांसी जॉब मिले तो वो लोगों ने काम शुरू करे। इसलिए हर एक बदरेव से निवेदन है, सभी बदरेव निकेरी सरमक्का कोरोनी वानिका पारमारिबो अपने अपने बदरेव में कुछ जगह कायम करो, बच्चों को मौका दो कि वो फकांसी जॉब कर सके। आज 10 अगस्त को इंटरनेशनल डाक फंड लियो 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 कोनिंग फंड जंगल। प्यारे लोग, कोनिंग फंड जंगल लियो, देखिए लियो जो है ना काका, सुरीनाम में एक दो लेव था दीर तैन में, और लेव बेचारा बैठे 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 कितने लोग ने मुझसे कहा कितने देहांत हो गया है, लेव प्रदेश से लाया जाता है। हमारे देश में, हमारे देश के जंगलों में लेव नहीं है, बाघ बाघ जैसे हम कहिला बाघ है, चीता वगैरह ये सब है, लेकिन लेव ये अफ्रीका आसिया उस तरफ रहता है, लेव वहां पैदा होता, लेव कोनिंग दैट जंगल। लेव आप तो जानते हैं, हम लोग को पता है कि लेव अफ्रीका से आता है, कुछ इंडिया से, कुछ मिडल ओस्टर्न से, कुछ साउथ ओस्ट यूरोपा। लेव के बहुत से दुनिया में कदर किया जाता है। लेव ये अफ्रीका 2012 में अफ्रीका में गिना गया था कि गिनों की कितना लेव है अफ्रीका में। हमारे सुरीनाम के जनता एरवार इन अफ्रीका नर्स खाटिंग इन 2012 लेवन 32,000 शेर वहां मौजूद था। लेवन वोलन इन द ओपन सफानन ख्रास फ्लाकन स्ट्रेक खबीजन हालफुस्टेन एंड लेख बोस्ट स्ट्रीकन फन अफ्रीका टेन जॉइन फन सहारा। ये सबसे बड़ा रोफ दीर है लेवन।
इस वक्त हमें पता चला है tegenwoordig leven ongeveer 400 Aziatische leeuwen in het Nationaal Park. Deer Forest Nationaal Park. Is wat de Charso leeuw Sherwahaper mogen hebben. Op patatjala heb je bijna. Je leeuwen toeristischen. Toeristische attractie के लिए है दुनिया भर के लोग जो टूरिस्ट वगैरह यहां वहां जाते हैं तो ये भी लेव देखने के लिए और मुझे भी पता चला है भाई बहनों कि लेव 10-15 किलो गोश रोज खाते बाप 10-15 किलो गोश उनको गोश खिलाना पड़ता है तब कहीं लेव जिंदा रहते हैं इसलिए आज के दिन यही मुकरर किया है वेरोडवेट इस 10 अगस्तस द इंटरनेशनल डे फॉर द लेव लेव और ढेर लोग का भी भैया उन लोगों का वो देखते रहते हैं कि हमारा प्लानेट क्या है और बहुत लोग के प्लानेट लेव ही है जो 22 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त तक गिना गया है जिस पर 22 जुलाई तक में 22 अगस्त जितना लोग जन्म पाते हैं उनका प्लानेट है लेव शेर शेर के बच्चा शेर के बच्चा काका अब का हम तुम्हें बताई वो सब लेव शेर के बच्चा होता है निकेरी से हम लोग के रिपोर्ट मिला प्यारे प्यारे लोग कि बेजी से अफाल गिलियन विल्सन होफन ऑफ द मिलियो पुलिसी वो कहते हैं कि अर्चन एंड निकेरी रोजाना बेजिस अफाल को जलाता है अर्च ए निकेरी फरब्रां दाखलिस बेजिस अफाल आप समझ सकते हैं प्यारे प्यारे लोग कि बेजिस अफाल को कुछ हिफाजत करके कहीं फेंका जाते हैं लेकिन अब इसको जलाया जाता है मेजिस अफाल को निकेरी में रोजाना जलाया जाता है यह बात गिलियन विल्सन यानी प्याज को संदेशा दिया है इसको चाहिए जलाने के लिए या नहीं एक बारे में बप्पा बात आगे होना चाहिए कल भैया यफान से और एनहेम से दाख बड़ी धूमधाम से मनाई गई है बहुता तो पहले पालमुतेल में वहां पोगी पर मौजूद था काफी वहां भीड़ था इनकी परिवार और उसके बाद में रात्रि के समय वो मारी मेरठ में था जहां पर अनेक अनेक प्रकार के लोग मौजूद थे अनेक अनेक प्रकार और वहां पर भी मैंने आपसे कहा ना भैया कि वहां पर भी देशी बहुत से माइक पकड़ करके और हमेशा के तरह गाना गाया हुआ है गाना गाया हुआ और कहते हैं कि गाना भी गाना जरूरी है समझे ना प्यारे ये भैया हम आप सब लोग को जो बात आज रहा बोलने के लिए समझा दिए हैं और वेल फॉर जो आबोब का है वो चाहते हैं कि फिर से एक आप कॉम्बिनेशन कायम किया जाए आने वाले चुनाव के लिए आबोप आप कॉम्बिनेशन जिसमें रहा बेप आपीएस बीपी भाषा सेका बेलफोर कहते हैं कि अगर हम झूका मिलकर काम नहीं करेंगे तो बेनलांत में ऑन ट्विकलिंग नहीं आएगा
ये हर एक प्रोग्राम में इनका यही बात है कि सब जो का परिवार को मिल जाना चाहिए। एडवर्ड बेलफोर ये बात कह रहे हैं, हमेशा कहते हैं कि बाकी लोग आप लोग को पसंद नहीं करते हैं, और अगर हम लोग ज्यादा सीटों से आएंगे तो हम लोग प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी फोर्दरा करेंगे। बेलफोर का विचार है कि मारोन को हम लोग को आगे लाना चाहिए और हम लोग को चाहिए अपना कैंडिडेट खड़ा करने के लिए। सब लोग तो यही बात सोचते हैं, यही बात से मुहार्ज भी सोच रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं हासिल हो सका। वीरेन अयोध्या एक भाषण अपने भाषण के दौरान में कहा कि इज रेन इन सूरीनाम जाल 400 अमेरिका से डॉलर बताल आन अल्कोवा। प्यारे लोग बोले जस ऑन मांटलिंग फन पारनाम जाल एर फोर जोर्खन दैट एल्क बर्गर फन सूरीनाम 400 वर्षोल्डक इस आन अल्कोवा। Inertie deskundige Wieren Ayodhya. अपने भाषण के दौरान में एक कैनस क्रिंग था बॉलरूम फन ललारुक, वहां पर जितने जनता था उन लोग के सामने ये बात ने रखा कि जब परिणाम यहां से चला जाएगा तो हर एक जनता जो सूरीनाम में है 450,000 जनता के नाम पर 400 अमेरिकन डॉलर लिखा चुका है कि कर्जा के तौर पर जनता अल्कोवा को यह पैसा भरना चाहिए। बड़ा गड़बड़ बात है काका, बहुत गड़बड़ दादा, हम ना समझ पाई कि देशवा में का हुए का न हुए। क्वार्टर के जनता, अब हेनरी फर्नांडिस वेख और मॉनसोप तक आप लोग रास्ता बनेगा। द क्वार्टर वैक्टेशन द हेनरी फर्नांडिस वेख एंड मॉनसोप, जैसे आप लोग सुन चुके लो है, सेफ रन 20 किलोमीटर लंग मैट ब्रेट फन 6.20 मीटर चौंगालंगा के जरिए ये सब असफल्टेड हो रहा है। मार्च 2018 को शुरुआत हो चुका है और सेफ रन 20 किलोमीटर ये चौंगालंगा इस रास्ता को असफल्टेड करेगा। Old asfalt wordt vervangen door een nieuwe asfaltlaag met een verbeterde fundering. Bij de Saramatta-brug te Monsoop worden de bermen bestraat. De omgeving waar er veel bedrijvigheid plaatsvindt en in de buurten waar er scholen zijn, worden voetpaden en parkeervakken aangelegd. Pjari loop. ये सब September 2020 तक रहेगा। 2020 तक चौंगालंगा अपना काम जारी रखेगा। जेफरन 20 किलोमीटर लॉन्ग मैट ब्रिज फन 620 मीटर। तो भाई बहनों, क्वार्ट ऑफ मॉनसोप वर्क एंडलक आन खपाक, अब आपके खुशी मनाना चाहिए, समझे ना। देखिए, वीक ऑथोरिटेट में एक नया डायरेक्टर के बनुम किया गया है। अन्य डायरेक्टर वीक ऑथोरिटेट के बनुम हो चुका है ग्रासियाला योसेफसोन। ग्रासियाला योसेफसोन को यानी इस अफदेलिंग वीक ऑथोरिटेट पर बैठाई गई है, और आप तो जानते हैं कि यहां पर कितने लोग बैठ चुके हैं, लेकिन अब जाकर के प्रेसिडेंट ये फैसला लिया है, ये प्रेसिडेंट की इजाजत से ग्रासियाला योसेफसोन को इस जगह पर बैठा दी गई है। एक आदमी ने एक धक्का लगा गाड़ी बप्पा, ये है कुशवेन स्त्रात और मेशरश्म स्त्रात के कोने पर।
वहां पर एक आदमी जिसका नाम नवारो दे, नवारो दे एक लड़की जो फिल्म बनाने लगी उसके मुंह में इतनी जोर से तमाचा मारी इसकी बेचारी के फैसला कहिए फैसला तो नफारो साख दट से लीप नाम तू एन ब्रख आर एन फैसला तू इन खलात। बस दोनों में दोनों के फ्रेंड में झगड़ा होने लगा वार शिविंस खोत वगैरह ही तो ही। बस सिपाही नफारो को गिरफ्तार किया है, नफारो नशा में था, इनके पहला नशा तुड़वाया गया है, नशा टूटल है फ्लोरा के रिसोर्ट पुलिस पर, तो इनके फोर क्लेजिंग हुआ और उसके बाद में इस नफारो और खुशलोटन क्योंकि एक लड़की को तमाचा मारी से होकर मुंह खून आ गई से और आंखी में आंखी फूल गई बेचारी के जय इस परफॉर्मेंस पर वीजन नार ओख आर्च रे बिवेज पर नफारो इस एन खफॉर्डर्ट। बलत बताइए का होए भैया, तनी से आरे रेंग भैल और इतना झगड़ा कि पिस्तौल निकला ही तो हु और जा करके एक भैया ने औरत को मार दिया। आज के लिए ये इतनी बात रहा भैया लोग, अच्छा से रहिए, फिर आप लोग से मुलाकात हम करेंगे, शुक्रिया।